वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए CS 614 का मिड टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर और सॉल्व MCQs भी आपको करवाए जा रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहले के राइट अबाउट रोलैब एज अ क्यूब, रोलैब एज अ क्यूब के बारे में लिखें। उसके बाद देखिए व्हाट इज टाइम स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प्स क्या है। उसके बाद देखिए व्हाट इज होलैप, होलैप क्या है। उसके बाद देखिए व्हाट इज फुल एक्सट्रैक्शन, फुल एक्सट्रैक्शन क्या है। उसके बाद देखिए व्हाट इज मर्ज, मर्ज क्या है। उसके बाद देखिए व्हाट इज वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन, वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या है। तो शुरू करते हैं MCQs से, उसके बाद आपको करवाएंगे क्वेश्चंस के आंसर्स। सो डेटा माइनिंग जो है वो इवॉल्व हुई है एज अ मैकेनिज्म के कैटर करें लिमिटेशन डैश सिस्टम्स की, किसके सिस्टम्स की, OLTP। सो OLTP जो है इसका आंसर है, और ये इसलिए होता है ताकि डील किया जाए मैसिव डेटा सेट्स जो है हाई डायमेंशनैलिटी के साथ, न्यू डेटा टाइप, मल्टीपल हेट्रोजीनियस डेटा रिसोर्सेज वगैरह। उसके बाद ये कि जो ज़रूरत है सिंक्रोनाइज करने की डेटा की अपडेट के ऊपर वो खिलाया जाता है इनमें से, क्या वो है डेटा कोहेरेंसी। और उसके बाद ये कि जो नोड है बी ट्री का उसको स्टोर किया जाता है मेमोरी ब्लॉक के अंदर, और जो ट्रेवर्सिंग है एक बी ट्री की उसमें शामिल है कौन से पेज फॉल्ट्स, वो है ओ लॉग एन। और उसके बाद फिर ये कि प्री ज्वाइन टेक्निक जो यूज़ होती है क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए रन टाइम ज्वाइन। और उसके बाद ये कि क्यूब जो है वो एक डैश एंटिटी है जिसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं सर्टेन फैक्ट्स की, सर्टेन एग्रीगेशन लेवल के ऊपर, एक इंटरसेक्शन के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशंस की, वो है लॉजिकल, लॉजिकल एंटिटी है क्यूब जो है। उसके बाद ये जो गोल है स्टार स्कीमा डिज़ाइन का वो सिंप्लीफाई करना क्या, फिजिकल डेटा मॉडल। और उसके बाद ये कि ग्रेन जो है वो डैश लेवल होता है डेटा जो कि स्टोर किया जाता है वेयर हाउस के अंदर, वो जो एटॉमिक लेवल होता है। उसके बाद ये कि जो ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल हैं जिनकी नहीं होते रिकॉर्ड जो इवेंट्स के लिए और वो अकर नहीं करते, ये कहलाए जाते हैं क्या, नॉट रिकॉर्डिंग फैक्ट्स कहलाए जाते हैं। और उसके बाद ये कि जो चेंज डेटा कैप्चर है इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग टेक्निकल इशू, वो जो चैलेंजिंग टेक्निकल इशूज़ में से है डेटा एक्सट्रैक्शन के अंदर। और उसके बाद ये डैश जो ब्रेक करता है टेबल को मल्टीपल टेबल्स के अंदर जो कि पेस्ट करता है कॉमन कॉलम वैल्यूज़ के ऊपर, वो है हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग। और उसके बाद ये कि डेटा वेयर हाउस जो है वो है इज़ अबाउट टॉक टेकिंग, टेकिंग करने के बारे में है या फिर कलेक्ट करने के बारे में है डेटा डिफरेंट डैश सोर्सेज, किस तरह के सोर्सेज से, हेट्रोजीनियस सोर्सेज से। उसके बाद ये कि डैश जो है वो इनमें से एक क्लास है डिसीजन सपोर्ट एनवायरमेंट की, वो है OLAP, OLAP। अब ये कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग जो ब्रेक करता है टेबल को मल्टी टेबल के अंदर जो कि बेस करता है इनमें से किसके ऊपर, वो बेस करता है कॉमन कॉलम वैल्यूज़ के ऊपर। उसके बाद ये कि जो डी नॉर्मलाइजेशन है वो स्पीड अप करता है क्या, डेटा रिट्रीवल को। और उसके बाद ये कि मोस्ट कॉमन यूज़ जो होता है रेंज पार्टिशनिंग का वो किसके ऊपर है, वो है डेट के ऊपर। और उसके बाद ये कि जो फैक्ट टेबल है वो वे है विजुलाइज करने का एज एन डैश क्यूब, वो है अनरोल्ड क्यूब। और उसके बाद ये कि ट्रांजैक्शनल फैक्ट्स टेबल जो है उनकी नहीं होते रिकॉर्ड्स जो है इवेंट्स के लिए जो कि अकर नहीं होते, सो ये कहलाए जाते हैं नॉट रिकॉर्डिंग फैक्ट्स। उसके बाद ये कि जो फुल एंड इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन होती है वो टाइप होती है कौन से एक्सट्रैक्शन की, लॉजिकल एक्सट्रैक्शंस की। और उसके बाद ये कि जो सिलेक्टिविटी है वो लो है इनमें से कौन से एनवायरनमेंट में, DWH के अंदर। और उसके बाद ये कि यूज़र्स जो हैं डेटा वेयर हाउस के वो नॉलेज वर्कर्स होते हैं, दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो वो डैश हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो है डिसीशन मेकर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद ये कि राइट अबाउट रोलैप एज अ क्यूब, रोलैप एज अ क्यूब के बारे में लिखें। सो OLAP डेटा जो है स्टोर्ड होता है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, और जो फैक्ट टेबल होता है वो वे होता है विजुअलाइज करने का एज एन अनरोल्ड क्यूब। सो क्यूब क्या, वेयर, कहाँ है क्यूब जो है, सो ये जो मैटर ऑफ परसेप्शन है विजुअलाइज करना फैक्ट टेबल को एज एन एलिमेंट्री क्यूब। उसके बाद देखिए टाइम स्टैम्प्स क्या है, सो जो टेबल होते हैं कुछ ऑपरेशनल सिस्टम्स के अंदर उनका टाइम स्टैम्प कॉलम होते हैं, और जो टाइम स्टैम्प है स्पेसिफाई करता है टाइम और डेट के जो गिवन रो है वो लास्ट मॉडिफाई किया गया। और अगर टेबल जो है एक ऑपरेशनल सिस्टम के अंदर उनके कॉलम हैं जिनके अंदर टाइम स्टैम्प है, तो जो लास्ट डेटा है उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है यूज़ करते हुए टाइम स्टैम्प कॉलम्स। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ होलैप, अब ये क्या है, सो टारगेट क्या होता है कि हासिल किया जाए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। सो होलैप यानी कि हाइब्रिड OLAP अलाव करता है को एग्जिस्टेंस जो है प्री बिल्ड मोलैप क्यूब्स की
साथ में जो है वो रिलेशनल ओलैप या फिर जो रोलैप स्ट्रक्चर्स हैं। सो हाउ मच टू प्रीबिल्ड, कितना जो है वो प्रीबिल्ड किया जाए। सो हाइब्रिड ओलैप जो है सोल्यूशन जो है मिक्स है मोलैप का और रिलेशनल रोलैप का आर्किटेक्चर्स का, जो कि सपोर्ट करता है क्वेरीज जो है समरी के अगेंस्ट और जो ट्रांजेक्शन डेटा एक इंटीग्रेटेड फैशन के अंदर। उसके आगे के बाद इज फुल एक्सट्रैक्शन। फुल एक्सट्रैक्शन क्या है, सो जो डेटा एक्सट्रैक्ट होता है कम्प्लीटली जो है सोर्स सिस्टम से। अब क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्शन है ये रिफ्लेक्ट करता है कि तमाम जो डेटा है करंटली अवेलेबल है सोर्स सिस्टम के अंदर, सो कोई भी नीड नहीं है कि रखा जाए ट्रैक जो है चेंजेस जो होती हैं डेटा सोर्सेज से, क्योंकि जो लास्ट सक्सेसफुल जो एक्सट्रैक्शन थी उस वजह से जब से तो ज़रूरत नहीं होती कि रखा जाए जो ट्रैक है चेंजेस का डेटा सोर्सेस तक जब से लास्ट सक्सेसफुल एक्सट्रैक्शन हुई। उसके आगे के व्हाट इज मर्ज। मर्ज क्या है, सो मूव करना एक फिक्स्ड विंडो, फिक्स साइज विंडो को एक जो सिक्वेंशियल लिस्ट होती है रिकॉर्ड की, उसके ज़रिए लिमिट कर रहा होता है ये कंपैरिजन जो है मैचिंग रिकॉर्ड्स के लिए उन रिकॉर्ड्स को जो के हैं विंडो के अंदर। और अगर साइज जो है विंडो की वो है डब्ल्यू रिकॉर्ड, जैसे कि फिगर 20.1 में शो किया गया है, आप उसको देखना चाहें देख सकते हैं हैंडआउट में। सो हर न्यू जो रिकॉर्ड एंटर हो रहा है विंडो के वो उसको कंपेयर किया जाता है प्रीवियस W1 रिकॉर्ड से कि फाइंड किया जाए मैचिंग रिकॉर्ड्स, और जो फर्स्ट रिकॉर्ड है विंडो के अंदर वो स्लाइड आउट होता है विंडो का। उसके आगे के व्हाट इज़ वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन। वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या है, सो वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन से, और जैसा कि जो डेटा एलिमेंट होता है सोर्स सिस्टम से वो नतीजा होता है कई सारे कॉलम्स के अंदर DW में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।